सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश लाल एंड यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग एक सूर्या। हमारी मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज रिव्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था, मंडे को आ जाएगी, तो यही हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं IIST शिवपुर का। अब इससे पहले कि हम कॉलेज रिव्यू की तरफ आगे बढ़े, मैं बता देता हूँ कि आपको अगर भी सीरीज के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली कम्युनिटी पोस्ट को जाके देख सकते हो। उसमें सारे मैंने चीज़ें लिख के रखी है सीरीज से रिलेटेड। अब शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक वीडियो सीरीज होने वाली है जिसमें 10 वीडियो आ रही होगी, जिसमें हम 10 ऐसे कॉलेजेस का रिव्यू कर रहे होंगे जिनका शायद ही आपने नाम सुना हो या सुना भी होगा। तो मतलब अंडररेटेड जो कॉलेजेस हैं उनका हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। इसमें कोई भी IIT कॉलेज, कोई भी NIT कॉलेज, कोई भी IIIT कॉलेज नहीं होने वाला है। तो बस यार, नए हो अगर दी चैनल पे तो जाके फटाफट नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कॉलेज रिव्यू वीडियोस, रोडमैप वीडियोस चैनल पे आती रहती है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जाके यार फटाफट लाइक कर दो। अब बढ़ते हैं कॉलेज रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले यार कैंपस का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो IIST शिवपुर के कैंपस के ओवरव्यू की हम बात करें तो इस कॉलेज का पहले तो पूरा नाम जान लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस कॉलेज का पूरा नाम है। इसी के साथ साथ ईयर ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो 1856 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट 1856 की है यार इस कॉलेज की, मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा पुराना कॉलेज है ये। तो यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अपने पास होल्ड करता है, तो एक्सपीरियंस की कोई कमी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो हमें ईयर ऑफ फाउंडेशन से ही कॉलेज का पता चल गया। इसी के साथ साथ बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी है शिवपुर, वेस्ट बंगाल में कॉलेज सिचुएटेड है। कैंपस साइज की बात करें तो 140 एकड़ का यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कैंपस देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कैंपस बड़ा है या छोटा है, देखो उतना बड़ा भी नहीं है जैसे दूसरे NIT IIT कॉलेजेस देखते हैं, उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि छोटा भी नहीं है। क्योंकि यार 114 एकड़ बहुत होता है, आपको पूरे कैंपस में थोड़ी घूमना है, आपको क्लास अटेंड करना है, लैब्स अटेंड करना है, वो सारा आपका काम 114 एकड़ में भी हो जाएगा और 400 एकड़ में भी वही काम होगा। तो कैंपस साइज़ की हम बात करें तो 114 एकर्स का यहाँ पर आपको कैंपस देखने को मिल जाता है। इसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करता हूँ। अगर हाँ, वो बात अलग है, आपके पास एयरोस्पेस इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांचेस भी है तो आपको वहाँ पे बड़ा कैंपस लग रहा होगा, लेकिन वैसी ब्रांचेस अगर भी आपके पास नहीं है तो इतना कैंपस भी यार बोल सकते हैं मोर देन इनफ होता है। अब बात कर लेते हैं यार NIRF रैंकिंग की, कि NIRF ने 2021 में इस कॉलेज को कितनी रैंक दी है। तो इस कॉलेज को रैंक दी है 27 इन इंजीनियरिंग। अब क्या ये अपनी रैंक को जस्टिफाई करता है और क्या अपनी रैंक को जस्टिफाई नहीं करता, इस चीज़ की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी समझ लो 27th रैंक है इंजीनियरिंग में। इसी के साथ साथ मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, NIRF रैंकिंग पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे फैक्टर्स भी वहाँ पे होते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा यार ध्यान में रख के चलना। कभी भी कोई से भी कॉलेज रिव्यू देख रहे हो, आप खुद से भी आप कॉलेज का एनालाइज कर रहे हो, तो NIRF रैंकिंग के बेसिस पे आप एडमिशन मत लेना। पूरी ओवरऑल डिटेल जब आप ले लो तभी आप एडमिशन की तरफ आगे बढ़ना। तो ये तो बात कर लिया हमने कैंपस के ओवरव्यू की। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि आप इस कॉलेज तक पहुंच कैसे रहे होंगे। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर आप बाय फ्लाइट ट्रेवल करते हो तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, जो कि 28.5 किलोमीटर दूर है कैंपस से। इसी के साथ साथ अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर पड़ेगा हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि 6 किलोमीटर दूर है यार कैंपस से। मतलब यार उतनी दूर भी नहीं है कॉलेज, थोड़ी सी दूर तो है लेकिन उतनी दूर नहीं है। जैसे कि हम दूसरे कॉलेजेस को देखते हैं, कोई कोई तो 100-100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं, तो उतनी दूर नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा 28 किलोमीटर एक डिसेंट सी डिस्टेंस होती है, आराम से आप कवर कर सकते हो। ये बात कर ली यार हमने कनेक्टिविटी की, कि आप इस कॉलेज तक पहुँच कैसे रहे होंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। कॉलेज के गेट तक तो चले जाओगे, कॉलेज के अंदर कैसे जाओगे वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा उस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस देना है, अप्लाई थ्रू जोसा काउंसलिंग, और शीशे ब्राउन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। शीशे ब्राउन में भी ये कॉलेज आता है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे WBJEE से नहीं जा सकते क्या। तो यार ये सेंट्रल अफिलिएटेड कॉलेज है तो आप WBJEE से यहाँ पे नहीं जा सकते। आपको JEE मेंस मतलब जो सेंट्रल की एग्ज़ाम होती है वही आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए वही एग्ज़ाम आपको देना होगी, तो आप WBJEE के थ्रू नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए JEE मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो इस कॉलेज में हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यार कि मोड ऑफ एडमिशन काइंड ऑफ NIT कॉलेजेस जैसा ही है, तो बस वैसे ही आप समझ सकते हो। तो ये तो बात कर लिया यार हमने मोड ऑफ एडमिशन की। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि आने वाले 4 सालों में आप इस कॉलेज को कितनी फीस पे कर रहे होंगे, कितनी फीस लग रही होगी आपको बीटेक करने के लिए इस कॉलेज से। तो फीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, आपको इंस्टीट्यूट फीस लग रही होगी 71,000 रुपीस पर सेमेस्टर। इसी के साथ साथ हॉस्टल एंड मेस फीसेस की बात करें तो वो 29,500 रुपीस पर सेमेस्टर आपको लग रही होगी। मतलब 1,00,000 रुपीस पर ईयर हम समझ सकते हो इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल एंड मेस फीसेस को मिला के। तो मतलब 8,00,000 में आपका यहाँ से बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है इस कॉलेज की।
तो 8 लाख में यहाँ से आपका बीटेक आराम से हो जाएगा, जैसा कि दूसरे कॉलेजेस में होता है। इतनी ही फीस लगती है, इतनी यहाँ पे भी लग रही होगी आपको। तो ये बात कर लिया हमने फीस स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं कोर्स ऑफर एंड सीट मैट्रिक्स की, कि कौन कौन से कोर्स कॉलेज आपको ऑफर कर देता है और उसमें सीट्स कितनी कितनी है। तो इस कॉलेज में आपको 9 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको माइनिंग इंजीनियरिंग भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी 9 ब्रांचेस या 9 कोर्सेज मैंने आपको बता दिए जो कि इस कॉलेज में आपको ऑफर हो जाते हैं। अब कौन से कोर्स में कितनी सीट्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अदर देन वेस्ट बंगाल वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोटा भी लगता है, वेस्ट बंगाल वालों के लिए अलग सीट्स है, अदर देन वेस्ट बंगाल वालों के लिए अलग सीट्स है। तो अदर देन वेस्ट बंगाल वालों के लिए ये सीट्स है और वेस्ट बंगाल के लिए ये सीट्स आप देख सकते हो। ये वेस्ट बंगाल वालों के लिए एक आध में बता देता हूँ। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो वेस्ट बंगाल वालों के लिए 19 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे करके आप दूसरी ब्रांचेस का भी देख सकते हो। इससे यार ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता एज ए स्टूडेंट हमें, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो भी लंबी होगी और लेंथी हो जाएगी, बोर हो जाएगी मतलब, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है। चाहो तो आप PDF को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, वहाँ जाके आप PDF को एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से कोर्स कॉलेज आपको ऑफर कर देता है। तो ये बात कर लिया हमने कोर्स ऑफर एंड सीट मैट्रिक्स की, अब बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितने जाते हैं इस कॉलेज के। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टेट वालों के लिए भी कट ऑफ अलग है, अदर स्टेट वालों के लिए कट ऑफ अलग है, जैसा कि हो गई। इसी के साथ साथ बात करें हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो 6911 पे ओपन हुआ है ये और 11961 पे क्लोज हो गया है। अब ओपन और क्लोज से मेरा क्या मतलब है? ओपन से मेरा मतलब है राउंड 1 की ओपनिंग रैंक और क्लोज से मेरा मतलब है राउंड 6 की क्लोजिंग रैंक। जनरल कैटेगरी की बात है, जेंडर न्यूट्रल की बात है, कोई भी कोटे की बात यहाँ पे मैंने नहीं की है। ओवरऑल जो जनरल कैटेगरी के होते हैं मेल स्टूडेंट्स, उनकी मैंने यहाँ पे बात की है। अगर दी आपको और जानना हो तो कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ साथ होम स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 3178 पे ओपन हुई है और 9720 पे क्लोज हो गई है। मतलब अच्छी खासी रैंक पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चले आती है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक रैंक बोल सकते कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इस कॉलेज में। इसी के साथ साथ दूसरी ब्रांचेस के आपको देखना है तो आप देख सकते हो, और वैसे एक एक करके बताएंगे, वीडियो लेंथी होगी तो बाकी आप देख लेना। PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक आध और बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो अदर स्टेट के लिए देखें यार 13448 पे ओपन हुई है, इसी के साथ साथ 24897 पे क्लोज हो गई है। और होम स्टेट की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 13685 पे ओपन हुई है और 21373 पे क्लोज हो गई है। मतलब सही सही जा रही है रैंक, तो अच्छी बोल सकते हैं हम इस रैंक को। तो ये तो बात कर लिया हमने कट ऑफ्स की, अब बात करते हैं कल्चरल फेस्ट की, कि हर साल मौज मस्ती के लिए इस कॉलेज में कौन सा कल्चरल फेस्ट होता है। तो इस कॉलेज में होता है रेबेका यार एनुअल कल्चरल फेस्ट है IIST शिवपुर का। अब कल्चरल फेस्ट में क्या होता है ये मेरे को बताने की नीड लगती नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कल्चरल फेस्ट में क्या होता है। डांस शो, म्यूजिक शो, फैशन शो वगैरह ऐसे सारी चीज़ें इस कल्चरल फेस्ट में भी हो जाती है। एक अच्छे लेवल पे, डिसेंट से लेवल पे कल्चरल फेस्ट इस कॉलेज का हो जाता है। बात कर लिया यार कल्चरल फेस्ट की, अब बढ़ते हैं सीधे हॉस्टल एंड मेस की तरफ, की क्या क्या फैसिलिटीज़ है कॉलेज अपनी हॉस्टल में प्रोवाइड करवा देता है, मेस का फूड कैसा है, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल एंड मेस की बात करें तो यहाँ पे 17 हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाती है, इंक्लूडिंग 2 गर्ल्स हॉस्टल फॉर UG स्टूडेंट्स एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल फॉर PG एंड रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। इसी के साथ साथ सिंगल एंड मल्टी पर्सन ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिल जाती है up to 4, अकेले भी रह सकते हो, 2 लोग भी रह सकते हो, 3 लोग भी रह सकते हो, 4 लोग भी रह सकते हो, up to 4 तक आपको यहाँ पे मल्टी पर्सन ऑक्यूपेंसी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ सारे हॉस्टल रूम में हर हॉस्टलर को जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो हॉस्टल में मिलते हैं, जैसे स्टडी टेबल हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, अलमीरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इस हॉस्टल में भी, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ बात करें तो एक कॉमन रूम देखने को आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हो, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली ऑल्सो। तो एक भी एक अच्छी बात है यार, कॉमन रूम के साथ साथ यहाँ पे टेलीविजन रूम भी एक अलग से, इसको प्रोजेक्शन रूम भी आप बोल सकते हो, तो अगर दिया वहाँ पे आप चाहो तो मैच वगैरह का लुत्फ ले सकते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं हॉस्टल का। इसी के साथ साथ अगर दी स्पोर्ट्स के शौकीन हो, गेम खेलने के शौकीन हो, तो यहाँ पे आपको वेरियस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट बैट, बैडमिंटन रैकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो कि सारी हॉस्टल्स में होते हैं यार, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी नहीं है ये, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है इन चीज़ों को। अब बात करते हैं मेस की, तो हर हॉस्टल के लिए एक सेपरेट मेस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपको हर टाइप का फूड देखने को मिल जाएगा, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़,
ऐसे सारी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो यहाँ पे आपको फ़िश वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, बिरयानी वगैरह, तो एक अच्छी बात है नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये तो बात कर ली यार हमने हॉस्टल एंड मेस की, अब बात करते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट की कि प्लेसमेंट परफॉर्मेंस कैसा है कॉलेज का। अब यार जैसा कि हम बात कर रहे हैं अंडररेटेड कॉलेजेस की, तो प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे ही, लेकिन कितने अच्छे हैं, NIT कॉलेजेस से अच्छे हैं, IIT से अच्छे हैं, कितने अच्छे प्लेसमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, जो 2021 के जो अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट चल रहे हैं उसके टिल दी डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक के हाईलाइट्स आपको बता रहा हूँ, तो प्लेसमेंट्स के हाईलाइट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 51.75 लाख का एटलाशियन ने एक बच्चे को ऑफर किया पैकेज, बहुत अच्छी बात है यार। इसी के साथ साथ बात करें 39 लाख पर एनम का 3 स्टूडेंट्स को दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और गूगल ने 1 स्टूडेंट्स को दिया है 31.50 लाख पर एनम का। मतलब यार हाईलाइट देख सकते हो आप कितने सही सही पैकेज यहाँ पे लग रहे हैं। अब बात करें एवरेज पैकेज की कि एवरेज पैकेज कितना है, तो ये ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स है इसीलिए हम एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज ऐसी चीज़ें अभी नहीं निकाल सकते 2021 की, लेकिन पिछले साल के हिसाब से बताऊं और इस साल के भी हिसाब से अभी तक जो हो रहा है उसके हिसाब से बताऊं, तो 6.8 लाख पर एनम यहाँ पे आप समझ सकते हो, मतलब 6 से 7 लाख पर एनम का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट यार सच में बहुत अच्छे लगे मुझे इस कॉलेज के, क्योंकि यहाँ पे हम किसी NIT कॉलेज का, किसी IIT कॉलेज का या IIIT कॉलेज का कॉलेज रिव्यू नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है नॉर्मल सा, उसमें इतने अच्छे प्लेसमेंट है यार, तो मतलब बोल सकते हैं बहुत तगड़े प्लेसमेंट है कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस अपने पास रखता है। तो ये तो सारी बेसिक डिटेल्स हमने देख लिया यार IIST शिवपुर के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या हमें इस कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, इस कॉलेज की तरफ नहीं जाना चाहिए, वाई आई ऑप्ट दिस, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बेटर देन अदर NIT कॉलेजेस, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके करते हैं। तो पहली बात तो बात कर लेते हैं कि क्यों इस कॉलेज की तरफ आपको जाना चाहिए। पहली बात तो ये कॉलेज बहुत पुराना है, मतलब यार समझ सकते हो 150 साल के समथिंग होते हैं, 1856 में कॉलेज बना है तो बहुत पुराना हो जाता है ये कॉलेज, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस ये कॉलेज अपने पास रखता है यार, एक सेफ ऑप्शन हम बोल सकते हैं इस कॉलेज की तरफ जाना, क्योंकि नया कॉलेज नहीं, रिस्क नहीं लेना होगा हमें, तो एक अच्छा ऑप्शन इसको हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ की बात करें फीस, तो यार फीस इस कॉलेज की इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब डिसेंट सी फीस है जितने दूसरे कॉलेजेस में लगती है, ऐसा नहीं है कि IIT NIT नहीं है तो मतलब दूसरे कॉलेजेस में ज़्यादा ही फीस ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज इसीलिए इस कॉलेज की फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फीस को भी यहाँ पे हम एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ थर्ड चीज़ यहाँ पे यह आती है कि जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं उनके लिए यहाँ पे स्टेट कोटा लगता है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट कोटे का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ थोड़े से कॉन्स भी हैं इस कॉलेज के, जैसे कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है कॉलेज, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि यार उतना अप टू दी मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो वो तो आपने देख ही ली और मैंने ऑलरेडी 3-4 बार बोल ही दिया, प्लेसमेंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस कॉलेज के, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉलेज थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसी के साथ साथ कैंपस साइज़ की बात करें तो वो तो यार वैसे एक कॉन नहीं है इस कॉलेज का, लेकिन हाँ दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें तो वो एक कम है। इसी के साथ साथ एक और पॉजिटिव बात इस कॉलेज के बारे में क्या है कि यहाँ पे 90% के आसपास PhD होल्डिंग फैकल्टीज है, मतलब तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको एक PhD होल्डिंग फैकल्टी पढ़ा रही होगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं हम इस कॉलेज का। अब बात करते हैं कि यार बेटर है क्या ये दूसरे NIT कॉलेजेस से, तो जैसा कि आपने मेरी सीरीज देखी होगी टॉप 10 NITs एट लो रैंक वाली, तो उसमें मैंने बहुत सारे नए NIT कॉलेज, मतलब मोस्टली नए नए NIT कॉलेजेस ही है, तो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हाँ इस कॉलेज को हम बोल सकते हैं कि उनसे फार बेटर है यार ये कॉलेज। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में हमने कॉलेज रिव्यू करा IIST शिवपुर का। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक कर देना यार वीडियो को, इसी के साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार फटाफट, आगे 9 वीडियोज और आ रही होगी इसी सीरीज की, तो वो देखना है कि नहीं देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपको PDF को एक्सेस करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप PDF को एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।